नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविराज कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्यू में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए पोको X3 और पोको X2 के बीच फुल कंपैरिजन लाया हूं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए इन दोनों फोनों में से कौन सा फोन अच्छा हो सकता है गाइज। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप इन दोनों फोनों में से कौन सा फोन ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत बंदा मेहनत से कोई भी मोबाइल परचेस करता है तो कोई गलत मोबाइल परचेस ना कर ले, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेगा। इसलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया में तकरीबन 17,000 की रेंज में पोको X3 लॉन्च हो चुका है। वहीं पे दोस्तों पहले से ही पोको X2 17,500 की रेंज में बेचा जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको कौन सा फ़ोन परचेस करना चाहिए, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा फ़ोन अच्छा हो सकता है। चलिए दोस्तों, इन दोनों फ़ोनों के फ्रंट लुक और स्क्रीन साइज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, दोनों फ़ोन 6.67 इंच के साथ आता है, जबकि फ्रंट कैमरा में अंतर है गाइस। एक में पोको X3 में सिंगल कैमरा है, जबकि पोको X2 में डबल कैमरा है। और दोस्तों, बैक लुक के बारे में बात करते हैं, तो पोको X3 प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, जबकि पोको X2 ग्लास बॉडी के साथ आता है, तो यह एक प्लस पॉइंट है। और दोनों इक्वल कैमरा के साथ आते हैं गाइस। प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे पोको X3 में एक प्लस पॉइंट है, इसमें स्नैपड्रैगन 732G आता है, जबकि पोको X2 में स्नैपड्रैगन 730G आता है। और दोस्तों, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी पोको X3 में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, चलिए एंटूटू स्कोर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पोको X3 में एंटूटू स्कोर 3 लाख प्लस आता है, जबकि पोको X2 में एंटूटू स्कोर 2.85 लाख प्लस आता है। दोनों में MIUI 11 का सपोर्ट मिलेगा। और गाइस, चलिए अब कैमरा वाइज बात करते हैं। दोस्तों, कैमरा में भी यहाँ पे फ्रंट कैमरा का बात करते हैं, तो 20 मेगापिक्सल आपको पोको X3 में देखने को मिलेगा, जबकि पोको X2 में 20+2 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, बैक कैमरा के बारे में बात करते हैं, तो पोको X3 में सोनी का 682 सेंसर देखने को मिलता है, जबकि पोको X2 में सोनी का 686 सेंसर देखने को मिलता है। दोस्तों, तो यह पोको X2 के लिए एक प्लस पॉइंट है। X3 में आपको अल्ट्रा वाइड अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पोको X3 में आपको 6000 mAh का बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा, जबकि पोको X2 में 4500 mAh का बैटरी और 27 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा। तो पोको X3 के लिए एक प्लस पॉइंट है गाइस। चलिए दोस्तों, इन दोनों फ़ोनों के सिम एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पोको X3 और पोको X2 में हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ पे टाइप सी 3.5 mm जैक और आयर ब्लास्टर भी आपको साथ में देखने को मिलेगा दोनों फ़ोन में। अब वेट के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों, पोको X2 में 6000 mAh बैटरी होने के कारण यह थोड़ा भारी होगा, जबकि पोको X2 में 4500 mAh बैटरी होने के कारण यह थोड़ा हल्का होगा। और दोस्तों, प्राइस वाइज यहाँ पे देखें, पोको X3 सस्ता भी है गाइस और अच्छा भी है। तो दोस्तों, आपके पास इतना बजट है तो इस प्राइस में बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ही पोको X2 है और आप पोको X3 के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों कोई मेजर डिफरेंस नहीं है जिसके कारण अपना मोबाइल आप चेंज कर दें। दोस्तों, हाँ, अगर आप न्यू फ़ोन लेना चाहते हैं और आपके पास 17,000 का बजट है, तो इस फ़ोन को ज़रूर परचेस करें। और दोस्तों, आपके पास बजट 20,000 का है, तो दोस्तों मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा फ़ोन 20,000 के अंदर बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसके कारण आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, और जय हिंद दोस्तों।